हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? भाई उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हमारा चैप्टर थर्ड जो कि मेट्रिसेस है, उसके चैप्टर वाइज बोर्ड क्वेश्चन की सीरीज में बेटा आज 4 मार्कर्स हमारे सामने हैं और उसका पहला क्वेश्चन 4 मार्कर्स का मैं लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन एक बात बता दूं बेटा आपको, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। मैं ये कह सकता हूं कि 4 मार्कर्स जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये नंबर 1 का क्वेश्चन है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें कह क्या रहा है बेटा, ये कह रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट मैट्रिक्स इंटू ए, यानी इस मैट्रिक्स में ए का मल्टीप्लाई और रिजल्ट ये आ रहा है, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू चाहिए। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में ये जो ए देख रहे हैं मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि भाई इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब इसमें कितने रॉस होंगे या कितने कॉलम्स होंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम एक फॉर्मूला देख लें तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में है बेटा, वहां जाकर एक बार चेक कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं यहां आपको बताता हूं कि 2 मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उनमें क्या ऑर्डर का क्या कंडीशन होता है एक दूसरे से, वो मैं आपको बता रहा हूं। कि मान लो आपके सामने पी एंड क्यू 2 मैट्रिसेस हैं जिनकी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है पी क्यू, तो बिल्कुल कंफर्म है बच्चे अगर इसका ऑर्डर एम बाई एन है तो 100% इसका ऑर्डर एन बाई पी होगा। एन यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जो फर्स्ट के अंदर हैं, सेकंड में नंबर ऑफ रॉज उतने ही होंगे तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा एम बाई पी, यानी रॉज इसके इक्वल आएंगे और कॉलम्स इसके इक्वल आएंगे, ये कंफर्म बात है बेटा। ठीक, अब हम एक काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं कि भाई इनको, इसको पी कंसिडर कर लो, इसको क्यू कंसिडर कर लो और इसको पी क्यू कंसिडर कर लो। ठीक है, तो देखो हमने कहा कि P का ऑर्डर M बाई एन है तो Q के ऑर्डर में N इसके कॉलम से मैच कर रहा है, तो इसमें कॉलम कितने, 1 और 2, तो Q के अंदर रॉज 2 आ जाएंगी। ठीक, प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्ट है PQ उसमें जितने कॉलम्स हैं Q में उतने ही कॉलम्स हैं, तो इसमें कॉलम्स कितने, 1 और 2, तो इसका मतलब हुआ इसमें कॉलम्स भी 2 होंगे। तो बेटा मैट्रिक्स PQ के अंदर रॉज भी 2 होंगे और कॉलम्स भी 2 होंगे। देख लो ना भाई, जो इसके कॉलम्स हैं वो इसकी रॉज हैं, तो इसमें कॉलम्स है 1 2, तो इसके अंदर रॉज रहेंगी 2 और इसके कॉलम्स जो होंगे वो इसके कॉलम के इक्वल है, तो इसमें 1 2 कॉलम्स हैं तो इसमें भी कॉलम्स रहेंगे 2, यानी क्यू के अंदर मतलब ए के अंदर रॉज भी 2 होंगी और कॉलम्स भी 2 होंगे। तो लेट मैट्रिक्स ए आपको मिल गया ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या कर लो, यहां रिप्लेस कर लो और इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। चलिए करते हैं रिप्लेस, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 2 -1 1 0 -3 4 मल्टीप्लाई बाई ए बी सी डी और रिजल्ट क्या आया बेटा, -1 1 9 -8 -2 n 22। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए मैं बता चुका हूं आपको कि एक बार आप इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेना, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देखना, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। देखो भाई, रॉ को लेकर जितने भी कॉलम्स होते हैं, यानी ईच रॉ को लेकर के जितने भी कॉलम्स होते हैं नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स में, उन सब में मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते रॉ वाइज हैं। क्या मतलब, देखना जैसे 2 का मल्टीप्लाई ए में हो गया 2a और -1 का सी में तो -c, जैसे समझो ये रॉ लेकर के कॉलम, ऐसे रॉ ये कॉलम, ये ऐसे मल्टीप्लाई करता है। अब 2 का बेटा b में हो गया बच्चे और -1 का d में हो गया बेटा, लिखते मैंने कहा ना रॉ वाइज लिखेंगे बेटा। अब वैसा ही सेकंड वाली रॉ को ले लो, 1 का मल्टीप्लाई a में और 0 का c में, तो लिखने की जरूरत खत्म हो गई। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई b में और 0 का d में, यानी जरूरत ही नहीं बची। अब थर्ड रॉ ले लो बेटा, माइनस का 3a और प्लस में आ गया 4c और उसके बाद माइनस में 3b और प्लस में आ गया 4d और रिजल्ट आपके सामने पहले से ये -1 -8 1 -2 9 22। क्या करेंगे, कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स,
कंपेयर कैसे करते हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं, ए आई जे कंपेयर्ड विद बी आई जे, इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी है सपोज करो, तो मैट्रिक्स ए का जिस नंबर का एलिमेंट होगा मैट्रिक्स बी के उसी नंबर के एलिमेंट को कंपेयर करेगा, यानी करिए उसी के इक्वल आएगा, अगर हम इक्वल रख के कैलकुलेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, अब यहां पर ए वन वन में टू ए माइनस सी है, चलो यहीं कर लेते हैं, इट इज 2a माइनस सी और इसके सामने का रिजल्ट है बेटा माइनस वन, इक्वेशन वन हो गया। ऐसे ही इसको ले लो, चलो आगे ऐसे लेते हैं, ये हो गया 2b माइनस डी और रिजल्ट आ गया बेटा इसके सामने माइनस एट, इक्वेशन सेकेंड। अच्छा एक बात बता दूं, a b c d सारे आ चुके हैं यहां पर, a b c d यानी और इक्वेशंस की नीड नहीं है, लेकिन हां a को कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू वन आ रहा है और बेटा बी को कंपेयर करोगे तो बी का वैल्यू माइनस टू आ रहा है, ये आपको बेनिफिट मिल गया इस क्वेश्चन में। ऊपर कैलकुलेट कर लो, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट इसमें ए की वैल्यू रख दो, टू इंटू वन माइनस सी का वैल्यू माइनस वन माइनस सी का वैल्यू माइनस थ्री, भाई आप टू को उधर ट्रांसफर करोगे तो बेटा माइनस थ्री हो गया, तो बच्चे सी का वैल्यू थ्री आ गया। अब दूसरा ले लो, बाय इक्वेशन सेकेंड 2b, यहां पर b की वैल्यू रख दो, माइनस टू माइनस डी का वैल्यू माइनस एट, माइनस डी इज माइनस एट और बेटा उधर जाके हो जाएगा प्लस में फोर, तो माइनस डी की वैल्यू माइनस फोर यानी d की वैल्यू हो गई फोर। तो बच्चे यहां हमें मिल गया मैट्रिक्स a, क्या मिल गया मैट्रिक्स a बच्चे, a b c d की वैल्यू रख दो यानी वन माइनस में टू, सी का वैल्यू थ्री और डी का वैल्यू बच्चों फोर। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन पसंद आया और लॉजिक समझ आया अच्छे से तो एक लाइक तो बनता है बेटा मेरे लिए, डेफिनेटली बेटे। चलो बच्चे एक और सॉलिड सा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। इसमें क्या कहा है बेटे क्वेश्चन में कि इफ मैट्रिक्स ए इज दिस एंड बी इज दिस, और उसके बाद भी बोला है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी मैट्रिक्स बी में जो ए और बी अननोन है, फिर आपको इस इक्वेशन की हेल्प से, ये इक्वेशन आपको दे रखी है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा बच्चों, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक बार इनको प्लस करके स्क्वायर करेंगे और एक बार स्क्वायर करके प्लस करेंगे और फिर इनको कंपेयर करेंगे। देखिए जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पे कहा है बेटा कि a प्लस बी ले लो, पहले तो a प्लस बी लेने का मतलब है a एंड b को ऐड करो। ऐड करने का सिस्टम आपको पता है, ऐड करने का सिस्टम अगर मैं जल्दी से बात करूं कि a का वैल्यू अगर मान लो ए आई जे है और बेटा मैट्रिक्स बी आपके सामने बी आई जे है, एक बात ध्यान रखना अगर ये एम बाई एन है तो ये भी एम बाई एन होगा, तभी प्लस पॉसिबल है। तो ए प्लस बी जो हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप टू और मोर मैट्रिसेस को ऐड करते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही प्लस या माइनस होते हैं अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो, इस तरह से। यानी जिस नंबर का एलिमेंट है, सपोज करो जैसे यहां पर a11 है, ये b11 के साथ ही ऐड होगा और ऑर्डर वही आएगा। चलिए ये तो एक बात समझने की थी। तो a के अंदर देखिए 1 प्लस a तो 1 प्लस a हो गया, माइनस 1 को 1 से ऐड करोगे 0 हो गया, 2 प्लस b हो गया और माइनस 1 को इससे करोगे तो बेटा ये माइनस 2 हो गया, ये आ गया a प्लस b एग्जैक्टली। अब a प्लस b का होल स्क्वायर चाहिए आपको, इट मीन्स 1 प्लस ए 2 प्लस बी 0 माइनस 2 इन टू 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी माइनस 2, मतलब ये हुआ भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है बच्चों a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करना तो आपको पता ही है रॉ टू कॉलम, यानी इसका मल्टीप्लाई पहले 1 में करो 1 प्लस ए और बच्चों 0 का 2 में करोगे तो 0, अब सेकेंड में ले जाओ 1 प्लस ए का 0 में करोगे तो 0 और इसका इसमें करोगे तो 0 हो गया राइट। अब यहां जाओ 2 प्लस बी का 1 में करो तो 2 प्लस बी और माइनस 2 का इसमें करेंगे
तो टू टू जा हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में फोर और माइनस में टू बी, समझो मेरी बात को। ये रॉ लिया मैंने और इस कॉलम में टू प्लस बी का करो, अच्छा 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 इस पूरे का यहां हो रहा है, तो थोड़ा सा एक मिनट चेंज करना पड़ेगा कुछ, इसको थोड़ा दूर रख लेते हैं, जीरो कुछ बड़ा बन जाएगा। सेकंड वाला आपने रॉ उठाया तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, टू की पहले करो, टू वन जा टू प्लस टू ए प्लस में बी प्लस ए बी, राइट, और माइनस टू की इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का फोर माइनस का टू बी, भाई सीधी सी बात है ना, ऐसे किया। अब इसका यहां करो, इसका करोगे तो जीरो और माइनस का करोगे तो हो जाएगा प्लस में फोर। ध्यान से देखो, कुछ कैलकुलेशन करें यहां पर क्या कोई बिल्कुल, तो ये आपके सामने आ गया बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, वन प्लस ए ये जीरो, और यहां देखो टू ए ऐसे रख देते हैं, चलो टू ए और प्लस बी और ये माइनस का टू बी, तो माइनस में बी और ये हो गया प्लस में ए बी, और प्लस टू और माइनस फोर मिला के माइनस में टू। ओके, एक काम करते हैं, जीरो यहां और फोर इसके नीचे यहां आ गया, ये आपका ए प्लस बी पहुंच गया बेटे, राइट, ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाओ पहले ए का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, वन टू माइनस वन माइनस वन, वन टू माइनस वन माइनस वन, मल्टीप्लाई करते हैं वही, वन वन जा वन माइनस टू, फिर वन वन जा वन, फिर वन वन जा वन, सेकेंड रॉ को ले लो, टू वन जा टू, वन टू जा टू, टू वन जा टू और वन वन जा वन, क्या हो गया बेटा ये माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। एंड नाउ अबाउट बी स्क्वायर, तो बी इंटू बी, ए बी वन माइनस वन, ए बी वन माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसकी यहां रख रहा हूं बी स्क्वायर की वैल्यू को, देखना जरा क्या किया आपने, वही रॉ टू कॉलम, यानी पहले ए को ऐसे करोगे तो ए स्क्वायर, और बच्चों वन की बी में करोगे तो प्लस में बी, अब ए का करोगे ए और वन वन जा माइनस में वन, ठीक है जी। अब इसका सेकंड को ले लो, ए बी और माइनस बी, और इसका यहां करोगे तो बी और माइनस माइनस प्लस में वन, ये आ गया आपका बी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है बेटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ले लो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी इन दोनों को कहां गया ए स्क्वायर का वैल्यू, ये ए स्क्वायर है पूरा, इसको स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, उसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सीधा ए माइनस वन, जीरो को यहां ऐड करोगे तो वही ए बी माइनस बी, और माइनस वन को करोगे तो सिर्फ बी बचेगा क्योंकि प्लस वन है और यहां माइनस वन है, ये कैंसिल हो गया। अब उसने कहा क्या है कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम क्या करने वाले, हम यही करने वाले हैं, बिकॉज ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का है बेटा, दिस इज हियर, दिस इज हियर, ओके, तो वैल्यू रख लेते हैं वन प्लस ए 2a माइनस बी प्लस ए बी माइनस टू जीरो फोर, एंड इक्वल में यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन ए माइनस वन, ओके, और ए बी माइनस बी और यहां पर b, इनको कंपेयर कर लो एक दूसरे से, कंपेयर करने का मेथड वही है बच्चे, तो क्या करेंगे कंपेयर अगर हम करेंगे तो देखो सबसे सिंपल तरीका जीरो वाले को ना ए माइनस वन से करो, बहुत फटाफट वैल्यू आने वाला है, आओ आराम से करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग कर लो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो मैंने आपको बोला था कि ना जीरो, भाई हमें तो सीधा ये देखना है कहां से लॉजिकल आराम से आ रहा है, जीरो को करो ए माइनस वन से, तो ए माइनस वन का वैल्यू जीरो और ए का वैल्यू आ गया वन। अब b की वैल्यू कहीं से आ सकती है, आ सकती है, देखो ये रखी 4 का वैल्यू b सीधा सीधा, और b का वैल्यू आ गया डायरेक्टली 4, तो हम क्यों दुनिया भर के झंझट में पड़े हैं कि भाई इसको इससे कंपेयर करते रहो, हमें पता लग गया जीरो से इसे कंपेयर कर लो, 4 को b से कर लो, इजीली a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 4 आपको मिल गया, और आपको यही तो चाहिए था स्टूडेंट, डेफिनेटली यही चाहिए था। चलिए चलते हैं आगे,
चलो बेटा एक और क्वेश्चन आपके लिए, फोर मार्कर्स हैं सारे, मैं आपको बता दूं बेटा। और वन थिंग मोर, ये कोई मैं ऐसे तुक्के में नहीं ला रहा हूं, मेरा खुद का अपना 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स टीचिंग करने का, कॉपी इवेल्युएशन का लास्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है सीबीएसई की, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं वो सेलेक्ट करके ला रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं कि एक सैंपल पेपर से ले लिया उठा लिया ऐसे तुक्के में। कलेक्शन है मेरे अपने क्वेश्चन पेपर्स का, कलेक्शन है मेरा खुद का, कलेक्शन है वो क्वेश्चंस प्लस टॉप लेवल के जो मैं सैंपल पेपर्स देखता हूं लास्ट 10 इयर्स जो सीबीएसई में आए हैं, सैंपल पेपर नहीं, उन पेपरों में से ही सेलेक्ट करके मैं क्वेश्चंस लेता हूं आपके लिए। तो यहां कह रहा है कि इफ ये मीट्रिक्स इंटू ये की वैल्यू जीरो। अब जीरो को ओ मीट्रिक्स आप कहते हैं, मैंने बताया भी था कि मीट्रिक्स के कंसर्न में ये जो जीरो है ये ओ मीट्रिक्स यानी जीरो मीट्रिक्स है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है बेटा। अच्छा हमें करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यार मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे, मल्टीप्लाई का फंडा आपको पता है रॉ टू कॉलम करते हैं, तो करिए रॉ को उठाओ कॉलम में मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा आपके लिए हो जाएगा 2x-3 3 = 9। नेक्स्ट में करो इसका, करो नेक्स्ट में 2 2 = 4x, 3 में करोगे तो 0, कहानी खत्म। और एक रॉ में ही ये फिनिश हो गया, नेक्स्ट में x इंटू 3 = O, भाई सीधी बात है, रॉ वाइज लिखते हैं। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसका इसमें करोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा ये x का करोगे तो 2x² - 9x, और इसका करोगे तो प्लस में 4 3 = 12x और = 0। इसको हमें मैट्रिक्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कंडीशन देखो ऐसी आ गई है, अपने आप सीधा जीरो में कंपेयर हो गया। अच्छा कैलकुलेशन कर लो तो ये कितना हो जाता है भैया, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये तो 2x² + 12x - 9 = 0। भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, 2 9 = 18 को फैक्टराइज करो कि सबट्रैक्ट करने पे 12 आ जाए। जरा चेक करो 18 को 12 लाना है, जरा कैसे करेंगे सबट्रैक्ट करने पर वो भी देखिए। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं इसके क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं रही है, एक बार मैं देख लेता हूं बेटा कि कहीं कोई क्वेश्चन में गलती तो नहीं हो गई है। चलो फिर भी, हालांकि नहीं होगी लेकिन फिर भी एक बार टैली कर लेते हैं। ये आपका 2x 3 है, 1 - 3 और 2 0, एक्स एंड 3 देन ओ मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है। अब मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, पहले 2x - 9, फिर इसको यहां लिया 2 2 = 4x देन 0, लेने की जरूरत नहीं। अब इसका पहले यहां करेंगे तो 2x² - 9x, देखो गलती पकड़ में आ गई ना, ये मिस्टेक्स हो जाती है बेटा। और 4 3 = 12x, अब देखो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बचा ही नहीं, 2x² + यहां से कितना हो जाएगा 3x = 0। आप x कॉमन ले लो, 2x + 3 = 0, कंपेयर करो बेटा तो x का वैल्यू 0 और इस वाले से x का वैल्यू आ जाएगा -3/2, तो x का वैल्यू 0 एंड -3/2। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 4 मार्क्स में है, डेफिनेटली रीजन क्या है, ये मल्टीप्लाई करने का जो सिस्टम था वो देखना जरूरी था, इसलिए ये 4 मार्क्स का इसलिए आए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट के लिए, चलो बेटा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ऑर्डिनरी बच्चा, इसमें देखिए इसको आप दो स्टेप में कर सकते हो और चाहो तो अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो इसने कहा है, देखिए ज्यादा भी लगेंगे क्योंकि उसने कहा है मैट्रिक्स ए का वैल्यू ये रहा, बी का वैल्यू ये रहा, देन फाइंड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये इसके डबल मेथड है, यानी पहले चाहो तो ए का ट्रांसपोज कर लो, फिर बी का ट्रांसपोज कर लो, सबट्रैक्ट कर लो, वरना एक इसकी प्रॉपर्टी भी तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा ट्रांसपोज की, क्या प्रॉपर्टी है सर, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब क्या हुआ कि ए से बी को सीधा सब्ट्रैक्ट कर लो फिर ट्रांसपोज कर दो, वो इसी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर सीधा सीधा ये कि पहले दोनों को ट्रांसपोज कर लो फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप कर सकते हो। तो चलो मैं तो इस मेथड से करके दिखा रहा हूं, चलो दोनों से ही करेंगे, पहले मैं इससे करूंगा। तो पहले ना डायरेक्टली ए माइनस बी ले लो, सीधा ए में से बी माइनस कर लो तो 3 - -1 करोगे, ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4, और -1 में से 2 तो -3, 0 में से 1 को तो -1, 4 - 1 तो 3, 2 - 2 तो 0 और 1 - 3 तो -2, ये आपका a माइनस बी आ गया।
अब a माइनस बी ट्रांसपोज, तो आप ट्रांसपोज कर दोगे, जानते हो ट्रांसपोज करते क्या है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2 राइट। अब ये सर ये तो इसकी वैल्यू तो अब आप दिखा दो, बिकॉज a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो देयरफॉर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2। अगर आपका मन करता है तो आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, यानी मैट्रिक्स a है तो a का ट्रांसपोज ले लो सीधे सीधे, 3 माइनस 1 0 4 2 1, एंड बेटा b का भी ट्रांसपोज ले लो, माइनस 1 2 1 1 2 एंड 3 ठीक है। अब a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज ले लो, तो इसमें से सीधा माइनस कर लो, 3 माइनस माइनस 1 तो 4, 4 माइनस 1 तो 3, माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3, 0 माइनस 1 तो माइनस 1, और 2 माइनस 2 तो 0, और 1 माइनस 3 तो माइनस 2। आप चेक भी कर लो, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। मुझे लग रहा है ये आपको ज्यादा आसान लग रहा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना कि इसको मैं कहूंगा मेथड नंबर 1 और इसको कहूंगा मेथड नंबर 2, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा बच्चों। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट और क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में आया है, बहुत बार बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट पे है, वैसे कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें क्या है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू चाहिए, और फिर इसी की हेल्प से एक ऐसा मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट कर दो, कैसा, उसने कहा है कि सच दैट ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आई, तो ये बेटा ये तो यही है बच्चों, प्लस एक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स एक्स ऐड किया जो रिजल्ट कितना आ गया 0, तो मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू ले आओ। तो बेटा सबसे पहले ना हमको ये चाहिए, और इसमें भी पहले ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी बच्चों हमें, तो लेते हैं हम लोग सबसे पहले बेटा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए इंटू ए 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, और 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, मतलब ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, मल्टीप्लाई आपको आती है बच्चों, फिर भी थोड़ा ध्यान से करेंगे, रॉ टू कॉलम, पहले 2 का 2 में 2 2 जा 4, फिर 0 से 2 का तो 0, और 1 1 जा 1, कैसे करते हैं फिर से समझा दूं, रॉ टू कॉलम, और रॉ 1 कॉलम 1 रॉ 1 कॉलम 2 रॉ 1 कॉलम 3, हर रॉ के साथ यही प्रोसेस है, अप्लाई करेंगे और लिखेंगे रॉ वाइज। अब सेकंड रॉ ले लो बेटा, सॉरी इसी रॉ को अब सेकंड कॉलम में ले लो, 2 0 0 0 1 जा 0 और 1 1 जा 1, फिर यहां जाओ 2 1 जा 2 0 3 जा 0 और 1 0 0, यानी आपने फर्स्ट रॉ लेकर के कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब आप शुरू कर दो सेकंड को, 2 2 जा 4 1 2 जा 2 3 1 जा 3, वैसे ही 2 0 0 1 1 जा 1 3 1 जा 3, नेक्स्ट में आ जाओ 2 1 जा 2 1 3 जा 3 एंड 3 0 0। अब बेटा थर्ड रो को लेके करेंगे, तो थर्ड रो में 1 2 जा 2 माइनस में 1 2 जा 2 और 0 1 जा 0, फिर 1 0 0 माइनस 1 का 1 से माइनस 1 और 0 में माइनस 1 तो 0, फिर 1 1 जा 1 1 3 जा 3 और 0 0 0, ये आपने ए स्क्वायर गेट कर लिया, तो ऐड कर लो। हाँ ध्यान रखना बेटा, मल्टीप्लाई को सबसे सावधानी पूर्वक बहुत ही केयरफुली करना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ये 5 ये माइनस 1 ये 2, 4 2 6 3 9, ये माइनस में 2 और यहां हो गया 5, ये आपका हो गया 0, ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया माइनस 2, ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया बच्चे, ध्यान देना है। अब उसके बाद हम सीधा यहां आ जाते हैं, यानी हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आइडेंटिटी। ए स्क्वायर का वैल्यू आपके सामने है ही, दिस इज 5 9 0 माइनस 1
माइनस टू माइनस वन, टू फाइव माइनस टू माइनस फाइव ए, समझो फाइव ए मतलब ए मैट्रिक्स में पहले से ही फाइव का मल्टीप्लाई करके उतारो, यहां ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइव टू जा टेन, फाइव टू जा टेन, फाइव बन जा फाइव, फाइव जीरो फाइव एंड माइनस फाइव, फाइव बन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, देन जीरो। उसके बाद फोर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चलो मैं दिखा देता हूं फोर लिख के और आइडेंटिटी को लिख देते हैं, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। आप समझते भी होंगे वैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वहां पर गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाता है। चलो जी एक काम कर लो, पहले तो ना फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस टू टेन, टेन फाइव, जीरो फाइव माइनस फाइव, फाइव फिफ्टीन जीरो, और इसकी कर लो मल्टीप्लाई, फोर जीरो 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 फोर जीरो 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 फोर। अब क्या करना है जी भाई, दोनों प्लस हैं आपस में ऐड कर लो पहले इनको। चलो करते हैं, ऐड करोगे तो फाइव और फोर मिला के हो जाएगा नाइन, नाइन प्लस जीरो मिला के नाइन और ये वाला जीरो, माइनस वन और जीरो मिला के माइनस वन, माइनस टू और फोर मिला के टू, और माइनस वन और जीरो मिला के माइनस वन, एंड टू प्लस जीरो करोगे तो टू, फाइव प्लस जीरो तो फाइव, माइनस टू और फोर मिलाओगे तो फिर से टू, और ये माइनस में टेन, टेन फाइव, जीरो फाइव माइनस फाइव, फाइव फिफ्टीन जीरो। क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर लो बेटा, करते हैं जी। तो 9 में से 10 को तो माइनस वन, माइनस वन से 0 को तो माइनस वन, और 2 माइनस फाइव करोगे तो माइनस थ्री, 9 माइनस टेन तो माइनस वन, 2 माइनस फाइव तो माइनस थ्री, और 5 माइनस फिफ्टीन तो माइनस टेन। अब 0 माइनस फाइव तो माइनस फाइव, माइनस वन माइनस तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा 4, और 2 माइनस जीरो तो 2, ये आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई की। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस फाइव ए फोर आई। अब उसने क्या कहा है हमसे, उस चीज को और देख लो। उसने कहा है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई प्लस एक्स को अगर हम जीरो लेते हैं तो भैया एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू बता दो, कहां लेते हैं। चलो इसको मैं ये क्लीन कर देता हूं, यहीं करेंगे हम इसको। चलो आ जाओ, देख लेना जरा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, एक बार कभी नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लेना पहले। चलिए लेकिन मैं करता हूं इसको यहां पे, क्या रखा है उसने देखो बेटा, यानी ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई प्लस एक्स का वैल्यू जीरो। तो इसकी वैल्यू आपके सामने ये रखी हुई है, रख लो माइनस वन माइनस वन माइनस फाइव, माइनस वन माइनस थ्री फोर, और माइनस थ्री माइनस टेन एंड टू, प्लस एक्स का वैल्यू जीरो। एक काम करो इसको इधर कर दो, जीरो माइनस करोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ये वन वन फाइव, वन थ्री माइनस फोर, और थ्री टेन एंड माइनस टू। यानी ये जब जीरो में से माइनस किया जाएगा तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स एक्स बच्चों। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा। तो बेटा इसी के साथ आज जो फोर मार्कर्स क्वेश्चन से मैक्सिमम मैंने कैटेगरी करा दी है। अब सेम टाइप के सारे क्वेश्चंस करने का कोई बेनिफिट तो है नहीं बेटा, लेकिन जितनी कैटेगरीज हो सकती थी मैंने मैक्सिमम आपको करा दी हैं। मुझे भाई जो आप इस चैनल को प्यार देते रहो बेटा, इसी तरह से अपना प्यार देते रहो, लव एंड सपोर्ट बनाए रखो, और थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे एंड एन्जॉय द डे बच्चों।